वेलकम टू माई चैनल जैज इन कैनेडियन वंडरलैंड। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई कमेंट्स हैं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप मेरा ईमेल देख रहे हैं। आज जी हम बनाने जा रहे हैं अ वेरी क्विक रेसिपी ऑफ फिश, और इसके लिए हमें सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स चाहिए। यहाँ पर मेरे पास ऑर्गेनिक सैल्मन फिले हैं, और ये इंडिविजुअल पैकेजेस में अवेलेबल होते हैं। वाइल्ड एंड ऑर्गेनिक फिश इज़ ऑलवेज बेटर देन द फार्म्ड वन। साथ में राइस का काम कर लेते हैं। यहाँ पे एक कप ब्राउन राइस मैंने वॉश किए हैं, सिर्फ इनको सोक नहीं किया। एक कप ब्राउन लेंटल्स हैं मेरे पास, इनको मैंने 15 मिनट्स के लिए सोक कर लिया था। मैं इसको इंस्टेंट पॉट में बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 and 3/4 कप यखनी या पानी, वो आपने यूज़ करना है। और ये सब कुछ डालकर 1 teaspoon सॉल्ट डालना मत भूलिएगा। आप इसको इंस्टेंट पॉट में प्रेशर कुक करेंगे। प्रेशर कुक आपने इसको करना है 12 मिनट्स एंड नेचुरल प्रेशर रिलीज। आ जाते हैं फिश की तरफ, और यहाँ मैंने लेमन ले लिया है जी। इसमें दो ही इंग्रेडिएंट्स चाहेंगे, एक लेमन और दूसरा केजन सीजनिंग। फिश को आप डाल दें एक पैन में, और मैंने इसमें ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। आप देखेंगे कि फिश का अपना ऑयल ही जो है इतना काफ़ी होता है, इसमें ऑयल यूज़ करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने पैकेजिंग से फ़िश को निकालना है, और इसके ऊपर आप अपनी मर्ज़ी से सीजनिंग डालें, लेमन जूस डालें, और थोड़ा सा पानी डालकर इसको आप कवर कर दें। हाफ वे आप कवर हटा के फिश को टर्न करें, और स्किन देखें कितने आराम से इसकी अलग हो रही है। इन पॉट में हमारे ब्राउन राइस भी रेडी हो चुके हैं, और मैंने साथ में सब्जियां जो हैं वो स्टर फ्राई कर ली थी। इसमें आप अपनी मर्ज़ी की सीजनिंग ऐड करें। मैंने नमक, काली मिर्च, स्मोक पेपरिका और इटालियन सीजनिंग वो इसमें ऐड की है, और ये फिश को बहुत कॉम्प्लीमेंट करती है। मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं मुझे बताना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैज़ इन कैनेडियन वंडरलैंड। टेक केयर।